सर्दियों में दिन छोटे और रातें लंबी क्यों होती है? कैसे और क्यों होता है तापमान में बदलाव? सर्दियों के दिनों में 5:30-6 बजे ही अंधेरा होने लग जाता है और सूर्योदय भी देर से होता है, जबकि गर्मियों में दिन बड़े और रातें छोटी होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आइए एक्सपेडिशन यूनिवर्स के साथ जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑल पे जरूर प्रेस कर देना, ताकि अगली बार मैं जब नया वीडियो डालूं तो वो सबसे पहले आप देख सके। धरती साल के हर दिन और हर समय सूर्य का चक्कर लगाती है। इससे तय है कि कुछ हिस्सा सूर्य के नज़दीक होगा जबकि कुछ हिस्सा दूर। जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ होता है तो धरती पर किरणें सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें उस हिस्से को लगातार गर्म करती है, जिससे उस हिस्से में रहने वाले लोगों को गर्मी का एहसास होता है। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूर चला जाता है तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और धरती पर ऊर्जा या गर्मी इकट्ठा नहीं हो पाती। ऐसे स्थिति में लोगों को ठंड का एहसास होता है। इसी आधार पर धरती पर ठंड और गर्मी का संतुलन चलता रहता है। कहाँ ठंड पड़ेगी और कहाँ नहीं, यह पूरी तरह से पृथ्वी के अपने एक्सिस पर झुकाव के चलते होता है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि तापमान में बदलाव इसलिए होता है क्योंकि गर्मी के दिनों में पृथ्वी सूर्य के अधिक नज़दीक होती है और ठंड में दूर। इस वजह से गर्मी और ठंड का एहसास बढ़ता और घटता है, लेकिन यह बात सही नहीं है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी नहीं है। धरती अपनी धुरी पर एक खास कोण पर क्यों झुकी है, अक्सर ये सवाल भी आता रहता है। वैज्ञानिकों को इस बारे में फिलहाल खास जानकारी नहीं है, और न ही उन्हें इस बारे में ज़्यादा पता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिक मानते हैं कि जब सौरमंडल आकार ले रहा था, उसी दौरान धरती को किसी पिंड से ज़ोरदार टक्कर मिली, तभी धरती अपनी धुरी पर तिरछी हो गई। इससे ठंड के दिनों में पृथ्वी का उत्तरी भाग सूरज से दूर होता है, यानी कि धरती के एक्सिस का झुकाव ऐसा होता है कि उत्तरी भाग सूरज से ज़्यादा दूरी पर होता है। इस स्थिति में दिन छोटा और रात बड़ी होती है। उत्तरी भाग में पड़ने वाले सभी इलाकों में इस स्थिति में ठंड पड़ती है। दिन की बदलती लंबाई के पीछे का कारण पृथ्वी का झुकाव ही है। उत्तरी गोलार्ध साल का आधा हिस्सा सूर्य की दिशा में झुका हुआ बिताता है, जिससे लंबी गर्मी के दिनों में सीधी धूप मिलती है और हम गर्मी महसूस करते हैं। वही वर्ष के दूसरे भाग के दौरान यह सूर्य से दूर झुक जाता है और दिन छोटे हो जाते हैं। यह झुकाव पृथ्वी पर विभिन्न मौसमों के लिए भी जिम्मेदार है। यह घटना सूर्य के उत्तरी से दक्षिणी गोलार्ध की ओर बढ़ने का कारण बनती है और इसके विपरीत वर्ष में मौसमी परिवर्तन लाती है। मकर संक्रांति के दौरान सूरज दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की तरफ गति करता है। यह सर्दियों के खत्म होने और गर्मियों के आने का संकेत है। मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में प्रवेश को दर्शाती है, क्योंकि यह अपने आकाशीय पथ पर यात्रा करता है। इस दिन से जुड़े उत्सवों को देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तर भारतीय हिंदुओं द्वारा मकर संक्रांति, सिखों द्वारा लोहड़ी, मध्य भारत में सुकराट, असम के हिंदुओं द्वारा बिहू, तमिल और अन्य दक्षिण भारतीय हिंदुओं द्वारा पोंगल। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरह के अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर अवश्य करना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, यह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।